easy English. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का वीडियो नंबर 23। इसकी हिंदी पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ए थे, ई थी। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर कमाल है, हमने तो एक ही पहचान सुनी हुई है टेंस की, इसकी चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये तो हमने कभी सुनी नहीं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक्टिव वॉइस का एक फोल्डर है हमारे प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने टेंस पढ़ाए हुए हैं, उसमें पास्ट इनडेफिनिट टेंस आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे पहचान बनती है और कैसे आती है। सेकंड थिंग इज दैट ये चैनल देखो, मैंने यूट्यूब पे बहुत, इस चैनल को बनाने से पहले यूट्यूब पे बहुत चैनल देखे हैं, हर चैनल अच्छा पढ़ा रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा चैनल मेरे को नहीं मिला जो आपको सिस्टमेटिकली ढंग से सिखाए, जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3 4, ये सिस्टमेटिकली ढंग से है। या अगर आप मैथ सीखते हैं तो उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको काउंटिंग आनी चाहिए, टेबल्स आनी चाहिए, तब जाके आप प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन वगैरह मल्टीप्लिकेशन ये सीखेंगे आप। तो ये चैनल वैसा ही मैंने बनाया है, अगर आप वाकई में सिस्टमेटिकली ढंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सेंटेंसेस का, वीडियो देखने के बाद सेंटेंसेस बनाइए आप। जब आप यहां तक पहुंचोगे आप समझ जाओगे कि संदीप सर सही कह रहे थे, ये चैनल बिल्कुल सही है और सिस्टमेटिकली ढंग से सिखाया जाता है इंग्लिश। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कोई भी लैंग्वेज सिखाने का मेथड होता क्या है। बहुत से टीचर्स तक नहीं जानते कि एक्चुअल में मेथड होता क्या है पढ़ाने का, तो आप वो वीडियो देखिए और चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ए थे, ई थी। पैसिव वॉइस का 7 पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका जो फर्स्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हमें पता, सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आएगा। हाँ, पैसिव वॉइस को भी अगर आप मान लीजिए आपके टेंसेस क्लियर है, अगर पैसिव वॉइस को भी सही ढंग से आप सीखना चाहते हैं तो इसका फर्स्ट वीडियो पैसिव वॉइस का देखिए कि पैसिव वॉइस की इंपॉर्टेंस क्या है, स्कूल में पैसिव वॉइस की इंपॉर्टेंस कितनी सी है, एक्चुअल में पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है, आपको वो वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। प्लीज जरूर देखिए वो वीडियो, लिंक सभी वीडियोस के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। हैड प्लस बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी सिंपल सी फॉर्मेशन होती है इसकी। आम खाया जा चुका था, या आम खा लिया गया था, एक ही बात है। तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी, कई बार होता है कि आपको लोग सेंटेंस पूछते हैं भी इसकी इंग्लिश बना, लेकिन हमें फॉर्मेशन नहीं पता, हमें हमेशा फॉर्मेशन का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फॉर्मेशन फॉलो करते हैं तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। फॉर्मेशन है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाइए मैंगो, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडन। तो क्या बनेगी, मैंगो हैड बीन ईडन, आम खाया जा चुका था या आम खा लिया गया था। अब इसका सेकंड है फॉर्मेशन, अगर रेगुलर रूप से आप मेरे सुन रहे हैं, इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव की फॉर्मेशन कैसे बनेगी। ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पत्र लिखा जा, लिखा नहीं जा चुका था, तो क्या बनेगी, लेटर हैड नॉट बीन, राइट मैंने लिखना थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न। अब है थर्ड इंटरोगेटिव। देखिए किसी भी टेंस हो, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, अगर आपने इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन बनानी है तो बहुत सिंपल है, उसके हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लो। हैड ऑब्जेक्ट बी एंड थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगाना, क्या उसे पढ़ाया जा चुका था, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेंगे, सबसे पहले हैड बाहर निकालेंगे, हैड
ऑब्जेक्ट ही बीन टीची थर्ड फॉर्म टॉट, तो सेंटेंस बन गया हमारा हैड ही बीन टॉट। नेक्स्ट है फोर्थ, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। किसी भी टेंस हो एक्टिव हो पैसिव हो आपने थर्ड रूल सारा लिख देना है, बस ऑब्जेक्ट के बाद पैसिव वाइज में नोट लगा देना और एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। तो फॉर्मेशन बन गई हमारी हैड ऑब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। क्या पेन नहीं बेचा जा चुका था, तो क्या बनेगी सिग्नेश? फॉर्मेशन फॉलो करेंगे हैड पहले, हैड पेन नॉट बीन सोल्ड, चल बेचना सोल्ड सोल्ड। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ रूल। अगर आप रेगुलर इस चैनल पे आते हैं, व्यूअर हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि फिफ्थ रूल जो है कैसे बनेगा, फिर भी आपको मैं बता देता हूं। इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, इसे कैसे यूज किया जाता है, तो आप एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। WH प्लस हैड ऑब्जेक्ट बीन वर्ब की थर्ड हो क्वेश्चन मार्क, उसे क्यों पीटा जा चुका था, तो क्या बनेगी फॉर्मेशन फॉलो करेंगे। सबसे पहले WH why had he been beaten। फिफ्थ सिक्स रूल है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव एडवर्ब। कुछ नहीं करना, सेम आप फॉर्मेशन यहां लिख दीजिए, बस ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए। तो क्या बनेगा WH प्लस हैड ऑब्जेक्ट नॉट बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वाइज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पानी कब नहीं भरा जा चुका था। अब कई लोग आप सोच रहे होंगे कि ये सर ये रूल करा क्यों करवा रहे हैं, हमें फायदा क्या है? फायदा इसलिए है कि आने वाली वीडियोस में फिर हम ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, इसलिए एक रूल आने जरूरी है। ओके, WH when had water not been भरना फिल थर्ड वो फिल, ये लीजिए हमारा ये टेंस कंप्लीट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके सेंटेंसेस के, वो डाउनलोड कीजिए, उनको बनाइए और आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू चेक। और कोई भी आपका क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।